चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 20 सितंबर दिन बुधवार को ऋषि पंचमी है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की इस पंचमी को बहुत अधिक महत्व के मारे में माना जाता है। स्त्रियां इस उपाय को अवश्य करती हैं। ऋषि पंचमी के दिन यदि आप भी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो 5 स्वास्तिक आप इस जगह पर अवश्य बनाएं। कहते हैं यह 5 स्वास्तिक, आप सभी जानते हैं कि 19 सितंबर को आज के दिन भगवान गणेश जी की हमारे घर में स्थापना हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के साथ ही ऋषि पंचमी के दिन यानी कि 20 सितंबर को पंचमी तिथि पर आप 5 हल्दी से स्वास्तिक इन जगहों पर यदि बनाते हैं तो माता लक्ष्मी का तो आपके घर में वास होता ही है, साथ ही में महादेव की कृपा भी बरसती है। इस उपाय के लिए आपको रात्रि 8 बजे से पूर्व यानी कि प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेना है। 5 स्वास्तिक आपको बनाने हैं, हल्दी के 5 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। इस उपाय के लिए आप थोड़ी सी हल्दी ले लें, प्रदोष काल से पहले ही कर लेना है आपको। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, रात्रि 8 बजे से पूर्व भी कर सकते हैं आप इस उपाय को। सुबह भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा सा जल मिला लें। अब उस हल्दी से आपको सबसे पहला स्वास्तिक घर के मंदिर में आपको बनाना है। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कामना कर स्वास्तिक बनाएं। दूसरा स्वास्तिक रसोई घर में बनाएं, दक्षिण दिशा की दीवार को छोड़कर कहीं पर भी आप स्वास्तिक को बना सकते हैं। तीसरा स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको बनाना है, जिससे माता लक्ष्मी घर में आकर्षित होंगी। चौथा स्वास्तिक आपको तुलसी क्यारा जो है तुलसी के गमले पर आपको बना देना है। और पांचवा अंतिम स्वास्तिक आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के समक्ष में जो छोटी सी दीवार होती है वहां पर आपको बना देना है। महादेव की कृपा से जीवन के सभी कार्य बनेंगे। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।